हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, किंतु वे भोजन बनाने के लिए संघटों को कहां से इकट्ठा करते हैं तथा वो उनके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे पहुंचता है? जैसे हम वस्तुएं खरीदने जाते हैं तथा उन्हें पकाते हैं, एक पौधा भी उसी प्रकार से अपना भोजन बनाता तथा पहुंचाता है। इस तुलना को देखकर आपको ये समझने में सहायता मिलेगी। इसे अपने घर के नक्शे की तरह सोचें। भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें बाजार से कच्चा माल चाहिए। पौधों के लिए सबसे पहला चरण वो होता है जहां जड़ों को मिट्टी से जल तथा खनिज मिलता है। तने में मौजूद जाइलम तंतु जल तथा खनिज को पत्तियों तक ले जाता है, जैसे हम बिना पके पदार्थ रसोई घर तक ले जाते हैं। पत्तियां पौधे का रसोई घर हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्रहण करती हैं। उनमें क्लोरोफिल भी होता है, एक रसोईया। पत्तियां इन संघटों को तथा सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर स्टार्च नाम का भोजन बनाती है। एक बार भोजन बन जाने पर क्या होता है? हम इसे भोजन स्थल तक ले जाते हैं तथा खाते हैं। पौधों में भोजन तने में मौजूद फ्लोएम उत्तकों से सभी हिस्सों तक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि तना पौधों के लिए जीवन का रास्ता है। ये जल तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है।